अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 8B का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक एक एक पार्ट करके सॉल्व कर लिया है। अगर आपने कोई भी पार्ट देखना हो सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रॉफ बाई अकेडमी तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट नंबर 1 है वो देखें। यहाँ पर है ए स्केयर माइनस ए बी प्लस ए बी का स्केयर ओवर ए है, प्लस बी का स्केयर माइनस बी सी प्लस बी का बी सी का स्केयर है ओवर बी है, प्लस सी स्केयर माइनस सी ए प्लस सी ए स्केयर ओवर सी है। तो अगर आप इन तीनों जो हमारे पास टर्म्स हैं अगर आप इनका एलसीएम लेके सोल्व करें फिर भी हो सकता है, लेकिन इसका एक और बहुत ही आसान सा मेथड है वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर ए स्केयर है ना, इसको भी डिवाइड ए से कर दें। ये जो ए है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, और ये जो बी है इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। आप ऐसा करें इसको सेपरेट करके डिवाइड कर दें, सही है। देखें यहाँ पर ए स्केयर है तो यहाँ पर आ गया जी ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ पर आपने लिख दिया जी ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर माइनस है ना तो आपने माइनस भी लिखना है इस तरह ए बी, तो यहाँ पर आ गया जी ए बी डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ पर आ गया जी ए आ गया। यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपने प्लस लगाना है, और यहाँ पर आ गया ए बी का स्केयर है ऊपर आपने स्केयर लगा दिया डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ पर आ गया जी ए आ गया। क्योंकि ये जो ए है इन थ्री जो हमारे पास टर्म्स हैं ये और ये और ये इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको ऐसे ब्रैकेट में ये जो प्लस है ये मैं इससे लगा रहा हूँ क्योंकि ये सेपरेट है, सही है कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। अभी देखें यहाँ पर बी स्केयर है ना तो यहाँ पर आ गया जी बी स्केयर डिवाइड बाय बी, तो यहाँ पर आ गया जी बी आ गया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ गया माइनस बी सी, यहाँ पर आ गया जी बी सी ओवर यहाँ पर आ गया जी बी आ गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आ गया जी प्लस बी सी का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी बी सी का स्केयर डिवाइडेड बाय बी, तो यहाँ पर आ गया जी बी आ गया, सही है। अभी जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है जी, ये प्लस मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये सेपरेट हो जाए कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर आ गया जी सी स्केयर, तो यहाँ पर आ गया सी स्केयर ओवर यहाँ पर आ गया सी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ गया माइनस सी ए ओवर यहाँ पर आ गया जी सी आ गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आ गया प्लस सी ए का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी सी ए का स्केयर ओवर यहाँ पर आ गया जी सी आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अभी देखें ऊपर क्या है जी ए स्केयर है, नीचे क्या है ए है, ये एक ए से यहाँ से एक ए कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा एक ए बाकी बचा, क्योंकि ऊपर ए स्केयर था ना नीचे ए था, एक ए से एक ए कैंसिल आउट तो बाकी क्या बचा जी एक ए बचा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ गया जी माइनस आ गया। अभी देखें यहाँ पर ये ए से ये ए क्या हो गया जी कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा बी बचा, तो यहाँ पर आ गया जी बी आ गया। यहाँ पे आ गया प्लस ये ए से ये ए यहाँ से कैंसल आउट, तो बाकी क्या बचा जी प्लस बी स्केयर बाकी बचा, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है आप इसको वैसे ही लगा दें, अभी चलो मैं ऐसा करता हूँ सेपरेट ही रखते हैं इसको। यहाँ पे आ गया जी प्लस। अभी देखें ये जो बी स्केयर है ये बी स्केयर से ये बी स्केयर है और नीचे बी था, एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा जी एक बी बाकी बचा, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी माइनस। अभी देखें इस बी से ये बी एक कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास माइनस सी बचा, और यहाँ पर आ गया जी प्लस, और ये बी से ये बी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास बचा जी सी स्केयर बचा, ठीक है। अभी ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर आ गया जी प्लस आ गया। अभी देखें ये एक सी से ये एक सी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास प्लस का सी बचा, और यहाँ पर आ गया जी माइनस आ गया, और यहाँ पर ये सी से ये सी कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बचा जी एक ए बाकी बचा, सॉरी इससे हमने लिखना था, यहाँ पर आ गया जी माइनस ए आ गया, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आ गया जी प्लस, ये सी से ये सी कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बाकी हमारे पास क्या बचा जी प्लस का ए स्केयर आ गया, तो यहाँ पर आ गया जी ए स्केयर।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने गौर करना है कि और यहाँ से क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है। देखें, पहले मैं लिखता हूँ ए स्केयर, यानी एक तरतीब से मैं लिखने लगा हूँ अभी, ठीक है। तो ये ए स्केयर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए स्केयर। और अभी हम लिखेंगे बी स्केयर, तो ये बी स्केयर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस बी स्केयर। अभी सी स्केयर, तो यहाँ पर सी स्केयर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी प्लस सी स्केयर लिख दिया, ठीक है। अभी देखें, ये प्लस ए लिख दिया, यहाँ पर आ गया जी प्लस ए आ गया, और ए वाली कौन सी वैल्यू है, ये है, तो यहाँ पर आ गया जी माइनस ए आ गया। अभी देखें, ये प्लस बी आ गया, और ये माइनस बी है, तो यहाँ पर आ गया जी माइनस बी आ गया। और देखें, ये प्लस सी है, तो यहाँ पे प्लस सी आ गया, और ये माइनस सी है, तो यहाँ पर माइनस सी आ गया। यानी कि जो ए वाली वैल्यूज़ थी वो एक साइड पे, जो बी वाली वैल्यूज़ थी वो एक साइड पे। अभी देखें, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस सी है, ये माइनस सी है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा है वो बचा है जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी का स्केयर। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ए को डिवाइड करना है, फिर बी को डिवाइड करना है, फिर सी को ऐसे सेपरेट करके डिवाइड करना है, जो चीज़ यहाँ से कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करना है, फिर आपने तरतीब से लिख देना है। तरतीब से लिखने के बाद आपने जो ए वाली वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे, जो बी वाली वैल्यूज़ हैं और सी वाली वैल्यूज हैं एक साइड पे, जो प्लस और माइनस से ये चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देनी है, और आगे इसका हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाना है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट ए की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर बी को सोल्व करते हैं। अभी पार्ट टू को सोल्व करते हैं, वो है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी का स्केयर ओवर ए है, प्लस बी स्केयर माइनस फोर बी सी प्लस फाइव बी सी का स्केयर ओवर बी है, प्लस फाइव सी स्केयर माइनस ए सी ओवर सी है। जैसा कि हमने प्रीवियस जो पार्ट था वो सोल्व किया है, सेम वैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर डिवाइड बाई ए, और यहाँ पर आ गया जी माइनस टू ए बी, यहाँ पर आ गया जी टू ए बी डिवाइड बाई ए, और यहाँ पर आ गया प्लस थ्री ए बी का स्केयर, यहाँ पर आ गया जी थ्री ए बी का स्केयर डिवाइड बाई ए आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लस वैसे ही लगा रहा हूँ कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर आ गया जी बी स्केयर आ गया ओवर बी आ गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आ गया माइनस फोर बी सी ओवर बी आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आ गया प्लस फाइव बी सी का स्केयर है, तो ओवर यहाँ पर आ गया जी बी आ गया, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आ गया जी प्लस, तो यहाँ पे आ गया जी प्लस फाइव सी का स्केयर है, तो यहाँ पर आ गया जी फाइव सी का स्केयर ओवर यहाँ पर आ गया सी माइनस ए सी, यहाँ पर आ गई माइनस ए सी ओवर यहाँ पर आ गया जी सी आ गया। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखें ये ए स्केयर ओवर ए है, एक ए से एक ए यहाँ से कैंसल आउट, तो बाकी क्या बचा जी, एक ए बाकी बच गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी माइनस आ गया, माइनस टू आ गया, ठीक है। ये ए से ये ए यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बाकी क्या बचा जी, बी बाकी बच गया, और यहाँ पर आ गया जी प्लस, ये ए से ये ए कैंसिल आउट, ये ए से ये वाला, ये ए से ये ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, थ्री बी का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी थ्री बी का स्केयर आ गया। अभी देखें, ये यहाँ पे आ गया जी प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, एक बी से एक बी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा, एक बी बाकी बचा हमारे पास, क्योंकि ऊपर बी स्केयर ओवर बी था ना, एक बी से एक बी कैंसिल आउट, तो बाकी एक बी बाकी बचा, और यहाँ पर आ गया जी माइनस फोर आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है जी, ये बी, ये बी से ये बी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा माइनस फोर, ये सी बाकी बचा, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी प्लस, और यहाँ पर आ गया जी फाइव सी का स्केयर, यहाँ पर आ गया जी सी का स्केयर आ गया, क्यों आ गया जी, ये बी से ये बी यहाँ से हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया जी प्लस, तो यहाँ पे आ गया जी प्लस। अभी देखें,
यहाँ पे आ गया, ये आ गया, यहाँ पर आ गया जी फाइव, ये एक सी से एक सी कैंसिल आउट, तो बाकी एक सी बाकी बचा, ठीक है, ये सी से ये सी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एक सी से एक सी कैंसिल आउट होगा, बाकी एक सी बाकी बचेगा, और यहाँ पर आ गया जी हमारे पास माइनस ए आ गया, ये सी से ये सी यहाँ से कैंसिल आउट, यानी ये सी यहाँ से कैंसिल, बाकी बचा माइनस ए बचा। अभी हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, पहले ए वाली वैल्यूज़, फिर बी वाली, उसके बाद फिर सी वाली। तो देखें ए वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आ गया जी ए आ गया, और ए वाली कौन सी वैल्यू है जी, ये है, ये माइनस ए है तो यहाँ पर आ गया जी माइनस ए आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी बी वाली वैल्यूज़ ये देखें, प्लस थ्री बी स्केयर है तो यहाँ पर आ गया जी प्लस थ्री बी स्केयर आ गया, और बी वाली कौन सी वैल्यू है जी, ये है माइनस टू बी है, यहाँ पर आ गया माइनस टू बी है, और ये प्लस बी है तो यहाँ पे आ गया जी प्लस बी आ गया, यानी पहले मैंने ए वाली वैल्यूज लिखी, फिर बी वाली, अभी सी वाली, तो सी वाली कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ये है, तो यहाँ पर आ गया जी प्लस फाइव सी का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी सी का स्केयर, और सी वाली कौन सी वैल्यू है, और ये है माइन ये प्लस फाइव सी है, तो यहाँ पर आ गया जी प्लस फाइव सी आ गया, और यहाँ पर माइनस फोर सी है तो यहाँ पर आ गया जी माइनस फोर सी आ गया। अभी आप देख लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अभी इनको आप गिन लें, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी ये मैंने क्यों ऐसे किया है कि आपको कोई मिस्टेक ना हो, यानी आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अभी देखें ये ए से ये ए यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, थ्री बी का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी थ्री बी का स्केयर, ठीक है। अभी देखें ये माइनस टू बी है, ये प्लस बी है, एक बी ये माइनस टू है, ये प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस टू से एक बी निकाल दिया, तो बाकी क्या बचा, एक बी बचा, तो यहाँ पर आ गया जी एक बी बाकी बचा। अभी देखें ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस किया, टू बिग डिजिट है, यहाँ पर टू के साथ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी आएगा, ठीक है, यानी माइनस टू बी में से एक बी निकाल दिया तो बाकी बी बचा, टू बिग डिजिट है इसके साथ माइनस है तो माइनस बी आएगा, ठीक है। अभी देखें ये आ गया ये प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस फाइव सी का स्केयर, तो यहाँ पर आ गया जी फाइव सी का स्केयर आ गया। अभी देखें ये प्लस फाइव सी है, ये माइनस फोर सी है, तो प्लस माइनस माइनस फाइव में से फोर निकाला तो एक सी बाकी बचा, तो मैंने सी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ये देखें ये फाइव के साथ प्लस है, यानी फाइव बिग डिजिट है इसके साथ प्लस है, तो यहाँ पे मैंने प्लस सी लगा दिया, ठीक है। तो अभी आप इसको एक तरतीब से लिख लें, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थ्री बी का स्केयर, यानी कि थ्री बी का स्केयर प्लस फाइव सी का स्केयर, यहाँ पे आ गया जी प्लस फाइव सी का स्केयर माइनस बी, यहाँ पर आ गया माइनस बी, और यहाँ पर आ गया जी प्लस सी आ गया, यानी कि सबसे पहले मैंने स्केयर वाली वैल्यूज़ को लिख दिया, उसके बाद जो स्केयर के बगैर थी उनको मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास का फाइनल रिजल्ट आया है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस पार्ट की आपको भी समझ आई होगी, फिर भी इन दोनों पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।